श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुना तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होते है सुनो साथ चित दे भजो श्री राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारा ये। श्री महामति कहे साथ जी भया चर्चा का वक़्त अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठ इन तखात लाल आगे आए बैठे इन तखात बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री भाव के धनी की जय। श्री महामति कहे ये साथ जी जिन पर हुआ मेरा सो खास खास उम्मत है तन मार दारद हक काजे तन मार दारद हक काजे कसौटी तेरा बस माया मिले था ऊपर लौकिक बोझे प्रणाम सुंदर साहब जी प्रणाम। बोझ तेरा वश माया मिने था ऊपर लोक के बोझ आप धाम के धनी अक्षराती पारब्रह्म परमात्मा के स्वरूप आखिरी जमाने के खामंद बंगस्खलन का अवतार महामति स्वामी श्री प्राणनाथ जी परमहंस महाराज श्री लालदास जी के हृदय में बैठ करके बीतक साहब की रचना करवाते हुए फरमा रहे। तेरा वर्ष माया मिले था ऊपर लौकिक बोझ। मेरा ठाकुर जब भाई गुजर गए गोवर्धन ठाकुर तो बहुत दुख हुआ और उसके पश्चात इस माया में उलझ गए क्योंकि ये संसार है ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह हमें लपेट लेता है। तो 13 वर्ष तक इस माया के बीच में ऊपर बोझ आया जो पर माया में कोई बुराई नहीं है बुरा काम नहीं है करना लेकिन माया में ही डूब जाना बुरा है। इस माया में रहते हुए भी अपने धनी को जो याद करे सच्ची रात्रि की लालगी वही है कि संसार को रहते हुए भी संसार से अलग है। धनी का चिंतन धनी की बातें धनी की लीलाओं में जो मगन रहती है रमे बीच कौशल हो तो अपनी सुरता को अपने ध्यान को हौट कोशर में ले जाते हैं कि हौट कोशर के जो 4 घाट बने हैं उन घाटों में जाके अपनी श्रोता को घुमाते हैं। हाँ जो सतगुरु देव चिन्ह महाराज चर्चा करते थे उस चर्चा को विचार करते हैं कि महाराज जी ने आज क्या सुनाया था इसका मतलब क्या होना चाहिए
उसको मनन करते उस चर्चा को, मन में बड़ो विलास से, मन में बड़ा राज्य से बातें करने का विलास होता है, नित्य प्रति श्री राज नित्य रोज राजा रोजाना ही राजी महाराज से अपने आप बातें करते राजी से, अपने आप विनोद की बातें करते हुए एक दिन महाराज ठाकुर के मन में आया, क्या आया है, दिल में ये विचार आया कि सतगुरु महाराज ब्रज की लीला, रास की लीला, परम धाम की लीलाएं वर्णन करके बताते हैं, पर हमें क्यों नहीं वो दिखाई देते। ऐसे दिल में विचार आया और हम भी तो परम धाम से आए हैं, राजी मारन हमें भेजा संसार में, तो हमारी उज्जत इतनी भी नहीं चलती है सतगुरु महाराज से कि सतगुरु महाराज हमें भी दर्शन करवाए। आप तो देखते हैं, वर्णन करके बताते सारी ठिकानों को, पर हमें क्यों नहीं दर्शन करवाते, इतनी जब कि हम भी परम धाम की आत्मा हैं, तो हमें क्यों नहीं दिखाई देता, कुछ नहीं चलता है, हम क्यों ना देखें धाम को। हमारा परम धाम है, हम परम धाम से आए। जब सतगुरु महाराज कहते हैं कि तू इंद्रावती की वासना है, तो फिर हमें क्यों नहीं दिखाई देता परम धाम। सतगुरु महाराज देखते हैं, हमें नहीं दिखाई देता, अपनी जो हमारी जो परम धाम की लीलाएं हैं, हम उसको क्यों नहीं देखते, क्योंकि हम भी तो अधिकारी हैं उतने ही, तो हमें क्यों नहीं दिखाई देती वो चीजें। और सतगुरु देव चंद्र महाराज देखते हैं, सब ठिकाने बताते हैं, हमें क्यों नहीं दिखाई देते परम धाम के निशान। एक एक चीज का वर्णन करके सतगुरु महाराज समझाते हैं, बताते हैं, पर हमें क्यों नहीं दिखाई देता, हमारे ध्यान में क्यों नहीं आती वो। सो हमारे आगे और हमारे आगे सतगुरु महाराज जो वर्णन करके बताते हैं, पहचान करवाते सब सुंदर साथ को, तो हमें क्यों नहीं दिखाई देता, हमें वो चीज दिखाई देनी चाहिए जो सतगुरु को दिखाई देती है। हमारा धनी धाम का हमारे तो धाम के धनी हैं, तो हमारा अधिकार है उस चीज का देखने का, पर हमें क्यों नहीं दिखाई देते। क्या सतगुरु महाराज ये नहीं होता कि हमें भी दर्शन करवाएं, हमें दर्शन क्यों नहीं होते परम धाम के। ऐसे मन में आया है, हमें अर्श अधीम की जो परम धाम है, 25 पक्ष है वहाँ की, हमें वो ठिकाना तो दिखाए कि कहाँ पर शयन करते हैं, कहाँ पर झूला झूलते, कहाँ श्रृंगार होता है, कहाँ क्या लीला होती, हमें क्यों नहीं दिखाई देती। तो हमारा खेल में इस माया के खेल में हमारा इतना भी नहीं चलता है कि हमें धनी दर्शन करवा सके, इतना भी नहीं चलता कि हमें दर्शन हो जाए। तो क्यों कहिए आपके, देखो मन में आया कि इसके मतलब कि मैं परम धाम की हूँ नहीं, जो हमें दिखाई नहीं देता परम धाम, तो इसका मतलब यही है कि मैं परम धाम की आत्मा नहीं। जैसे अभी भी सुंदर साथ कह देते ना कि भाई तार तुम लिए हुए मिले तो 25-30 साल हो गए, अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं दिया, तो मन में विकार आ जाते हैं कि हो सकता हम नहीं होंगे उस घर की। ऐसे उनके मेरा ठाकुर मन में आया कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं परम धाम की आत्मा नहीं है, फिर हम अपने परम धाम की लीलाओं को हम क्यों नहीं देख पाते हैं, पर हम में है अवगुण, हमारे अंदर कोई अवगुण है, कोई कमी है, इसीलिए हमें नहीं दिखाई देती, ऐसा सोचते हैं। इस वास्ते अंतराय इस वास्ते हम राज्य से दूर हैं, हमारे अंदर अवगुण है, ये अवगुण हमारे हमें नहीं देखने देते उस लीला को। तो मैं अपने अवगुण काटूंगा तब तो
दर्शन हो पाएंगे हमें, जो अपने अवगुण काट दूंगा तो क्यों ना देखे हम आए, तब हम क्यों नहीं देखेंगे। जो हमारे हम परम धाम के हैं कहते सतगुरु महाराज, तो हम क्यों नहीं देखेंगे। हमारे अवगुण है वही हमें नहीं देखने देते, इस वास्ते अवगुण को, इस वास्ते अपने अवगुण को देखने लगे, ढूंढते हैं कि क्या मेरे अवगुण है अंदर, जिस कारण से हमें परम धाम दिखाई नहीं देता। नजरों जो कछु आया, इनके नजर में आया कि मैं ज्यादा बोलता हूँ, ये भी गलत है। फालतू बोलने से आत्म बल खत्म होता है। उतनी जब बोलो जितनी जरूरत है, अपना राज्य का भजन करो। मैं ज्यादा खाता हूँ, नींद ज्यादा आती है, भजन नहीं होता। ये अवगुण अपने देखने लगे तो क्या करते हैं, अपने अवगुण काट रहे हैं। सतगुरु देवचंद जी महाराज के आगे जा करके क्या कहते हैं, अर्जी करते हैं, क्या कहते हैं, मेरे अवगुण मुझको। ये नहीं कहते कि आपको दर्शन होते महाराज जी, हमें क्यों नहीं करवाते हो, हमें क्यों नहीं दर्शन होते। अवगुण कहने लगे कि मेरे अवगुण है, इसलिए मेरे अवगुण निकाल दो महाराज जी। क्योंकि इंसान को अपनी कमी नहीं दिखाई देती, दूसरे की दिखाई देती है। अपने कितने अवगुण होते वो महसूस नहीं होते आदमी को। तो कहते मेरे अवगुण है धनी, वो मेरे अवगुण निकाल दो। काल देव सब इंद्रियन के, इंद्रियों के अवगुण हमारे निकाल दो। जब अवगुण निकल जाएंगे और उनके लिए हम तड़पेंगे, रोएंगे, तो ऐसी बात नहीं कि दर्शन ना हो, जरूर दर्शन देंगे। जैसे कबीरदास ने कहा ना कि सुखिया सब संसार खाए और सोवे, दास सुखिया सब संसार खाए और सोवे, दास कबीरा जागे और रोवे। तब देते उत्तर, तब उत्तर देते सतगुरु महाराज क्या कहते हैं। सतगुरु महाराज ने कहा कि मेरा ठाकुर, तुम्हारे अंदर कोई अवगुण नहीं, तुम पवित्र आत्मा है, निर्मल आत्मा है, परम धाम की है, इसलिए तुम्हारे अंदर कोई अवगुण नहीं है। तो निर्मल आत्म धाम की, तुम पवित्र आत्मा हो, परम धाम की आत्मा हो, ये मैं निश्चय करके कहता हूँ। और इंद्रावती की वासना है आपको, फिर अपने दिल में विचार करके कि सतगुरु महाराज झूठ नहीं बोलेंगे, सही कहते हैं, और जब मैं इंद्रावती की वासना हूँ तो मुझे परम धाम क्यों नहीं दिखाई देता, ये मन में सोच रहे हैं। विचार करने लगे, श्री धाम धनी यूं कहते हैं, सतगुरु महाराज जो कहते हैं कि इंद्रावती की वासना है तो हमें इंद्रावती की चाल चलनी चाहिए, हमारे अंदर वो रहनी होनी चाहिए। खाली कहने से काम नहीं चलता, अगर हम दावा लेते हैं राति की अंगना का तो हमारे अंदर कुछ तो बदलाव हो जीवन में, कुछ तो दुनिया के हमारे फर्क होना चाहिए। तो मन में सोचने लगे, तो मुझे चलना चाहिए उस रास्ते पर, वो हमारी रहनी जो होनी चाहिए। सुनत श्री मुख चर्चा, सतगुरु देव चंद्र महाराज जी जब चर्चा सुनते हैं मेरा ठाकुर बैठ के, तब क्या होता है, जब सतगुरु देव चंद्र जी महाराज की चर्चा सुनते थे उस समय कहते हैं चर्चा की अर्चा करते थे। जैसे सतगुरु महाराज चर्चा करी, फिर अलग उठा बैठ करके सुंदर साहब को समझाते हैं कि देखो सुंदर साहब जी, आज सतगुरु महाराज ने इस चीज का वर्णन किया, उस चर्चा की अर्चा करते हैं कि देखो आज सतगुरु महाराज ने क्या कहा। सतगुरु महाराज लाल चबूतरा पर बैठे हुए हैं, उत्तर तरफ आगे बड़े बन के 41 पेड़ों के 41 हारे हैं, 40 अखाड़े हैं, वहां पर पशु पक्षी आते हैं, राज्य का सिंहासन लगा है लाल चबूतरे पर, सब सखियां बैठी हैं, दर्शन कर रहे हैं, वो पशु पक्षी राज्य को रिझाते हैं, कोई लड़ करके, कोई उड़ करके, कोई नाच करके, इस तरह से करते वर्णन करके सुंदर साथ को अलग होकर के बताते थे।
शंकर साहब के आगे चर्चा करते हैं, वचन वर्णन करते हैं और वचन वर्णन करते उन जो सतगुरु मान ने सुनाया है उन्हीं वचनों को सुंदर साहब के आगे कहते हैं। और एक है अपने से अपने ऊपर लेते जो सतगुरु मन ने कहा है वो मुझे उस पर चलना चाहिए। ये नहीं कि जहाँ कसनी की बात आ गई वहां लोग कहते तो दुनिया वालों के लिए कहा स्वामी जी ने, नहीं हमारे अपने लिए कहा, ये सोचो कि हमें चलना चाहिए। बिना कसनी के आज दिन तक कोई पार उतरा है? कोई नहीं पा पाया। बड़े बड़े कष्ट उठाए, बड़े बड़े दुख उठाए, तब उस चीज को पा पाते। प्रहलाद युधिष्ठिर वसुदेव, स्वामी जी के एक ही चौपाई में प्रहलाद युधिष्ठिर वसुदेव बलि अंगद हरिश्चंद सगाल दधीच मूरत ध्वज कसनी कर छूटे अपन। कितने राजाओं के नाम बता दिए कि कसनी करके ही पार उतरे हैं। हम सुखी नींद सो करके मौत से रह करके पार नहीं उतरते, चोट नहीं लगती। तो क्या कहते हैं जो सतगुरु मन कह रहे हैं उस पर हमें चलना चाहिए। ये विचार करके ऐसा विचार करके मेरा ठाकुर सुंदर साथ को दिखाते हैं, वर्णन करके बताते हैं जो सतगुरु महाराज कहते हैं, वही चर्चा की अर्चा करते हैं तो वो बातें फिर याद रह जाती हैं। अपने दिल में विचारते और अपने दिल में विचारते, ये नहीं कि दूसरे के लिए, खुद अब चलते हैं उस पर। तुलसीदास ने कहा पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे अच रही ते नर ना घनेरे। दूसरों को उपदेश देने वाले तो बहुत होते हैं पर अपने जीवन में अपने आचरण में लाने वाले थोड़े ही लोग होते हैं। मेरा ठाकुर बताते तो हैं सुंदर साथ को पर खुद चल के दिखाते, उस पर खुद चलते रह नहीं पड़े। ये मुझे करना चाहिए जो सतगुरु बताते हैं, इस वास्ते अपने मन के ऊपर जुलम करते कि मन संसार की तरफ दौड़ता है, कोई चीज अच्छी दिखाई देती उसको मन करता है तो अपने मन को कोसते हैं और अपने आकार को कसनी पर चढ़ा रहे, इसलिए कि आत्म जगेगी कि अंदर हमारे इंद्रियों के विकार हैं ये दूर होंगे तो मेरी आत्म जगेगी। उतरते देखो उतरते आहार घटाइया, अगर चार रोटी खाते थे तीन खाने लगे, फिर दो खाने लगे, एक खाने लगे, घटाते घटाते इतना घटा दिया कि दो पैसा पर भोजन करने लगे। उतरते आहार घटाइया, पैसे पर दो पैसे पर खाते हैं पर घटा इंद्रियन का। अब इंद्रियां तो चीड़ हुई, जब शरीर को भोजन नहीं मिलेगा तो ये कमजोर हो गई, तो शरीर सूख गया, किसी से बोलते नहीं है, रोते रहते हैं, खाना छोड़ दिया है, सूख चला आकार सोई, आकार सूख गया, लकड़ी जैसे हो गए बिल्कुल, खाते नहीं, इसी चिंतन में डूबे हैं कि मुझे दर्शन क्यों नहीं होते, परमधाम हमें क्यों नहीं दिखाई देता। नैनों नींद झड़प है। जब तक सदगुरु देव चन्नी महाराज चर्चा वाणी करते थे, आगे बैठते थे मेरा ठाकुर सुनने के लिए, तो रोते ही रहते थे, नैनो नींद झड़प है। जब तक चर्चा करते थे सदगुरु देव चन्नी महाराज, रंग जर्दी का आया, रंग पीला पड़ गया इनका और कुछ नहीं, एक ही लगन है कि हमें दर्शन क्यों नहीं होते, हमें परम धाम दिखाई क्यों नहीं देता। इस तरह से शरीर पीला हो गया, खाना छोड़ दिया, लोगों से बोलना छोड़ दिया, अपने अवगुण को ढूंढते हैं। अभी हमारे अंदर अवगुण है ऐसा मन में सोच रहे हैं, ये मेरे घर में रहा तो क्या था, वो फूलबाई थी उनके सोचा कि ये श्रृंगार करती, वस्त्र अच्छे पहनती, मेरा मन उधर खींचता है,
तो मेरे घर में ये है कि इनको निकाल करके सदगुरु के चरणों में दे दूं, सेवा में लग जाएंगे, ऐसा सोच करके आरती सदगुरु के पास पहुंचा देंगे तो सुंदर साहब की सेवा में लग जाएंगे। तो जो उनकी पत्नी के जेवर थे वो मेरा ठाकुर ने कहा कि ये मुझे दे दो, सदगुरु की सेवा में लग जाएंगे। उनका ले जाओ, आपने दिए थे, आपका अधिकार है लो। बड़े खुशी खुशी फूलबाई ने दे दिए कि तुम्हारे थे, तुमने दिए थे, तुम ले जाओ। और वो जेवर ले जा करके सदगुरु के चरणों में रख दिया कि सदगुरु महाराज ये सुंदर साहब की सेवा में लगा देना। गोविंद के चित में अवगुण आया था, खास करके अवगुण आया था, उनको भी काट करके अवगुण को आदि सतगुरु के महाराज के आगे अर्जी करते हैं कि महाराज अपने अवगुण काट करके क्या अर्जी करते हैं, तब तो मुझे दर्शन होंगे, जब अवगुण निकल जाएंगे तब हमें दिखाई देंगे। अब अपने मन की परीक्षा लेने लगे कि मेरा मन कहाँ पर जाता है, क्योंकि मन ही संसार में भटका रहा है। मैं देखूं परख, मैं मन की परख देखूं कि मेरा मन किन चीजों को करता है। बाजार में चलते तो बाजार में जाते हैं, मिठाइयों की दुकान है, कपड़ों की दुकान है, तरह तरह की दुकानें हैं, अपने मन को देखते हैं, घुमाते हैं कि मेरा मन किस चीज को करता है। खुशी से चल रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं मन की कि मेरा मन किस चीज को करता है। जिस चीज को मन करता है, मन चलता है, वही मन को डांटते हैं, कोसते हैं, बहुत वचन खींचते मन को कोसते हैं। अजू रही सरीखी, अरे मन दुष्ट अभी भी दुनिया की सरीखी करता है, दुनिया की चीजों को चमक दमक को देखता है। अरे अपनी राज्य की शोभा को देख, कहाँ तू भटक रहा है। ऐसे मन को डांटते हैं, खूब कोसते हैं कि दुनिया की सरीखी क्यों करता है। अरे चंडाल मन मान जा, तू दुनिया की सरीखी क्यों करे, तुझे तो परम धाम की दुख होना चाहिए, धनी का बिछुड़ने का, तू संसार के सुखों में दौड़ रहा है। इन भात अपने अंग शरीर को कसनी करते हैं, बाजार में मन की परीक्षा लेते, मन को कोसते हैं, खाना छोड़ दिया, सोते नहीं है, लोगों से बोलना छोड़ दिया, अर्ज करते अंग की, ये नहीं कहते सतगुरु महाराज को कि हमें दर्शन कराओ, दर्शन हमें क्यों नहीं होते, ये कहते जो महाराज जी हमारे अवगुण निकाल दो, हमारे पर इनका मन जो इधर मुड़ा नहीं, चलते रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में ये और आगे से कोई इनका मिलने वाला यार दोस्त आ गया तो क्या करते हैं, कोई इनका मिलने वाला सामने से आ रहा है तो के चलते तो उसके तरफ देखते नहीं, मुंह घुमा लेते, इधर को निकल जाते, क्या लेना देना इससे, ये पूछेगा भाई इतने कमजोर क्यों हो गए, क्या तकलीफ, क्या परेशानी, तो कुछ तो हाँ हूँ करनी पड़ेगी। और अभी मैं जा रहा हूँ राज्य का, अपना ध्यान करते जा रहा हूँ, भजन करते जा रहा हूँ, तो उसमें ये बाधा पड़ जाएगी, इसलिए से क्या लेना देना दुनिया से, एक तरफ मुंह घुमा के निकल जाते हैं। जिन बीच पड़े परवरदिगार, जिन बीच पड़े परवरदिगार, हमारे राज्य के बीच में ये बाधा पड़ जाएगा, हम अभी ध्यान करते जा रहे हैं, राज्य का नाम लेते जा रहे हैं, इसके ये पूछेगा तो हमारा ध्यान बट जाएगा, इसलिए उसके तरफ देखते ही नहीं है। तब श्री धाम मुहांगे, इतनी कसनी करने के बाद में क्या होता है, फिर बलिया गिरत, कसनी के बिना कुछ नहीं मिलता भैया, हम कसनी नहीं करते हैं, सीधा परम धाम जाना चाहते हैं। अरे कुछ तो करो, कम से कम कुछ माया के जीवों को हमारी थोड़ी रहनी में कुछ तो फर्क आ जाए, तब तो हम सोचे कि हाँ कुछ हूँ,
जब जो दुनिया वाले सब कर रहे वही हम कर रहे हैं तो हमारे उनमें फर्क क्या हो गया। इसलिए तब इनका मुंह कहते हैं परम धाम की तरफ अपना आपा देखिया, अपने को देखो, अपनी कमी को देखो, अपनी गलती को देखो। हम दूसरे की गलती देखने से हमारा जीवन नहीं सुधरता, हमें अपने को देखना है। अपने शरीर को खत्म कर दिया जब वो तब बाल भाई आके, बाल भाई ने आकर के गांधी भाई की बहन थी सदगुरु महाराज से कहा, क्या कहा? सदगुरु महाराज के आगे कहा कि महाराज जी इसको देखो मेराज को क्या हो गया, एक भाई तो पहले चला गया 24 साल की उम्र में, अब इसकी ये हालत हो रही है। ऐसी आके कहती है मेहराज के आकार की पीला शरीर हो गया है, बोलते नहीं है, रोते रहते हैं, इनको समझाओ। अर्जी करती बाल भाई सतगुरु महाराज से, एक भाई पहले गोवर्धन ठाकुर पहले चले गए, अब ये जाने वाला है, इसका ऐसा शरीर हो गया, अगर ऐसे ही बना रहा तो ये भी चला जाएगा। तुम क्यों ना डरत हो, तुम समझाओ, नहीं तो आपको लोग क्या कहेंगे कि ऐसा गुरु ने उपदेश दिया। केशव ठाकुर के जवान जवान बच्चे चले गए, अपने लिए भी डरो, इनको समझाओ। आप डर नहीं लगता है आपको कि जिस कुछ हो गया तो लोग क्या कहेंगे? तब श्री देवचंद जी महाराज ने सतगुरु ने मेरा ठाकुर को बुला करके क्या कहते हैं, सवाल किया क्या सवाल किया? क्या है तेरे दिल में? सही बताओ मेरा ठाकुर, तुम्हारे दिल में क्या है, तुम क्या चाहते हो? तुमने लोगों से बोलना छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, रोते रहते हो, तुम्हारे दिल में क्या है, क्या चाहते हो तुम? सो मुझे कहो आज मुझे बता दो मेरे नाम मुझको। ये नहीं कहते कि हमें दर्शन क्यों नहीं होते, आपको होते। अवगुण कह रहे कि मेरे अवगुण वो निकाल दो, मेरे अवगुण मुझको, मेरे अवगुण जो है मेरे मुझको बता दो, क्या मेरे अवगुण है आप दिखा दो, कौन कौन से अवगुण है मेरे? तब मेरा ठाकुर कह रहे कि सदगुरु मान ने मुझको क्या कहा? क्या पहचाने आत्म, तुम क्या पहचानते अपनी आत्मा को? तुम इंद्रावती नहीं हो क्या? जब मैं कह रहा हूँ तो इंद्रावती की वासना है, फिर तुम्हें विश्वास क्यों नहीं होता? अब मेरा ठाकुर कह रहे कि ब्रज की बातें सुनते, जब आप ब्रज की लीलाओं का वर्णन करते हैं तो मुझे बड़ा आनंद होता है। तब मैं आंखों से आंसू आते हूँ लीलाओं को याद करके। तब श्री देवचंद जी ने कहा, सतगुरु देवचंद जी मन क्या कहा? क्यों रहे दर सुनते पहले? जब ऐसी लीलाओं को सुनते हो फिर तुम्हें शांति क्यों नहीं मिलती? मेरे आगे धाम की मेरे आगे जो परम धाम थी, बात करो जो तुम। जब आप परम धाम का वर्णन करते हैं तब तो मुझे बड़ी आत्मा को सुख मिलता है। तब मेरी आंखों से भी पानी झरता हूँ लीलाओं को याद करके। सुख पाऊं इन हुक्म आपके हुक्म से मुझे बड़ा सुख होता है, आनंद मिलता है जब आप वर्णन करते हैं। तब बाल भाई ने कहा बाल भाई बैठी थी पास में, बाल भाई ने मेरा ठाकुर से क्या कहा? क्या पहचान है धनी धाम? अरे तुम धनी धाम किसको कहते हो कि परम धाम राज्य बैठे कोई धनी धाम है? अरे धनी धाम का स्वरूप यही है, तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग वेद त्योहारों को लखे ब्रह्मानंद रसरंग। ये राज्य महाराज का स्वरूप ही तो है, सदगुरु महाराज इनके अंदर बैठे, इसलिए तुम क्या पहचानते हो धनी धाम कौन है? यही तो धनी धाम है। जो ये बात लौकिक है और ये लौकिक बात है, तुमने बोलना छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया,
लौकिक बात से क्या होगा, इससे होए पूर्ण मनोरथ काम, इससे क्या तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, जो पहचान हो गए स्वरूप की, जो पहचान हो गए स्वरूप की, अगर तुम पहचान हो जाए कि सदगुरु क्या है, सदगुरु ही तो राजी महाराज है, वही सदगुरु मन करके आए हमारे लिए, हमें जगाने के लिए, तो जो मैं पहचान हो जाए स्वरूप की, तो एक पल भी नहीं मोड़ो, इन्हीं को देखते रहो, इन्हीं को निहारते रहेंगे, पर तुम्हें पहचान ही नहीं कि सदगुरु क्या है, कि सदगुरु ही राज जी का स्वरूप बन के बैठे है, तो उनकी परक्रमे लगाते रहो, अगर पहचान हो जाए सदगुरु की, और मुझसे और बात नहीं निकले, जो मुझे देखे धनी धाम का, सदगुरु महाराज कहते हैं कि जो मुझे देखे धनी धाम का, अगर मुझे तो धाम धनी समझे तो एक पल भी नहीं मोड़े, हमें सदगुरु की पहचान ही नहीं है, सतगुरु को मानुष कर देखे, चरणामृत को पानी, ते नर नरखे जाएंगे, जन्म जन्म होए सोनी, सतगुरु परमात्मा के स्वरूप होते हैं, उनके अंदर राज्य बैठे होते, अलग नहीं है, दोनों एक ही होते हैं, तो अगर पहचान हो जाए स्वरूप की, तो पलक न फेरे नैने, और रात दिन की परक्रमे लगाते रहे सतगुरु की, उससे और बात नहीं निकलेगी, ये तेरे अवगुण नहीं, मेरा ठाकुर मेरे सामने बैठे हो, सच सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, अगर मुझे तुम सतगुरु मानते हो तो सही बताना, तुम्हारे दिल में क्या है, क्या कहते सुख को क्या कहते हो, अग्नि तो देखे अवगुण, अपने रोम रोम अवगुण, करोड़ों अवगुण मान रहे हो, ये नहीं कहा जाता, सतगुरु महाराज ने पूछा कि मेरा ठाकुर झूठ नहीं बोलना, तुम सतगुरु के सामने बैठे हो और मुझे सतगुरु मानते हो, तो मेरे सामने आज सच बोलना कि तुम्हारे दिल में क्या है, तेरे मन में क्या बात है, तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, जब सतगुरु ने कहा कि झूठ नहीं बोलना, तो कहते तुम देखो मैं क्यों ना देखूं, आप धनी परम धाम को देखते हो, वर्णन करते हो, और हमें क्यों नहीं दिखाई देता, हम भी तो देख सकूं, हम भी जब कहते हो परम इंद्रावती की वासना है, तो हमें फिर क्यों नहीं दिखाई देता परम धाम में, सो क्यों ना होए मुझे से, मेरे से क्यों नहीं होता, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा, ये वस्तु हुकम की, सतगुरु महाराज ने कहा मेरा ठाकुर ये वस्तु हुकुम की, ये राज्य का हुक्म हमारे ऊपर है तो हमें दिखाई देता है, जब आपके ऊपर हुक्म होगा तो आपको दिखाई देगा, ये तो हुक्म की बात है राज जी की, एक ही ठिकाने होगा, उनकी बैठक दो जगह नहीं होगी, एक ही जगह होगी, अगर हमारे अंदर उनकी बैठक है तो हमें सब कुछ दिखाई दे रहा, अगर तुम दर्शन करना चाहते हो तो मोह उठाओ तुम बैठो, हमें इस गद्दी से हटा दो और तुम गद्दी पर बैठो, तुम्हें दर्शन होंगे, ऐसा कहने लगे और कहीं नहीं होगा, हमें उठा दो यहाँ दुनिया से, तुम बैठोगे गद्दी पर तो तुम्हारे अंदर बैठक हो जाएगी और दूसरी जगह नहीं होगी, तब चित पीछा हट गया, तब इनका मन पीछे हट गया कि ऐसा करूं मैं सदगुरु को गद्दी से उठा करके और मैं गद्दी बैठ के तब दर्शन करूं, ऐसा नहीं होगा, कान पकड़े माफी मांगी, मुझे ऐसे दर्शन नहीं चाहिए, अपनी जो इच्छा थी दर्शन की वो खत्म कर दी कि मुझे ऐसे दर्शन नहीं चाहिए, अपने सदगुरु को हटा करके तब मैं दर्शन करूं, फिर विचार कर रहे कौन बाल भाई सदगुरु मर्द के साथ कि मेरा ठाकुर अभी मान तो गए हैं, पर इनको फिर वही बैराग लग जाएगा, इनको कोई माया का काम दे दो, अभी खाली रहते तो लगन राज जी की लगी है,
कैसे विचार किया श्री रामचंद्र जी संग बाल भाई ने सदगुरु मान के साथ विचार करते हैं इन्हें काम दीजिए माया का, इन्हें कोई माया कैसा काम दे दो ताकि मन उधर लग जाएगा, फिर इधर से इनका मन हट जाएगा, जितना ये जो कसनी कर रहे वो नहीं कर पाएंगे, तब पीछे हटे चिंतन, तब इनका पीछे हटेगा मन, तब सदगुरु महाराज ने कहा कि मेरा ठाकुर मैं हुक्म करता हूँ जाओ श्री महाराज चिंतन, मेरा ठाकुर वहाँ जाओ जहाँ मैं भेज रहा हूँ, तब गुजरात भेज दिया एक बहाना लेकर के कहा कि ऐसा करो अहमदाबाद चले जाओ, और अहमदाबाद में ब्रह्म वैभव पुराण मिलता है, हमें ब्रह्म वैभव पुराण को देखना, उसमें ब्रह्म की बातें हैं, इसलिए तुम चले जाओ ब्रह्म वैभव पुराण मिलेगा अहमदाबाद, वहां से लेकर के आओ। पर जिसके अंदर सब कुछ बैठा है उनको जरूरत क्या है, लेकिन एक बहाना है कि इनका मन हट जाए यहाँ से जो अभी इतना त्याग कर रहे हैं, ऐसा बहाना लेकर के सदगुरु महाराज ने इनको गुजरात भेज रहे हैं। जब गुजरात के लिए चल देते महाराज जी, क्योंकि सदगुरु के वचनों को पालन करना है, तो जब गुजरात के लिए चल देते हैं तो जोश फिर आते से तो अभी जा रहे थे दोपहर तक पहुंचे तो क्या देखते रास्ते में एक वट का पेड़ है बहुत बड़ा, चारों तरफ चबूतरा बंधा हुआ है, और एक पंडित जी बैठे हैं, बहुत सारे ग्रंथ लेकर के बैठे हैं। मेरा ठाकुर ने सोचा चलो यहाँ पूछ लूं शायद यहाँ मिल जाए, तो उन्होंने कहा भाई आपके पास ब्रह्म वैभव पुराण है? उन्होंने कहा हाँ मेरे पास बहुत पड़े, आपको चाहिए? हाँ मेरे गुरु ने मंगाया इसलिए मुझे एक चाहिए, लो ले जाओ, उठा दे दिया लो। मेरा ठाकुर ने कहा इसके पैसे कितने हुए? उसने कहा पैसे पूछे नहीं, तुम गुरु के लिए ले जा रहे ना? हाँ गुरु के लिए ले जा रहे, जाओ मैंने तुमको ऐसे ही दे दिया। बड़े खुशी हुए, वहां से लौट पड़े, शाम तक वापस सदगुरु महाराज के पास आ गए उस ब्रह्म वैभव प्राण को लेके। श्री महामति कहे मोह, परमहंस लाल दास कहते हे प्यारे सुंदर साहब जी, उस ब्रह्म वैभव पुराण को लेकर के, और वहाँ कोई बताता है कि जो ये ढोरीला मामू के तारी धोसरी, कोई कहते वहाँ उतरा ये प्रकरण, कोई कहता जब दौरा जी की तरफ जा रहे थे बैलगाड़ी में बैठ के तब उतरा था, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ समझे। सुनियो ये बीतक, गाड़ी देखी थी फंसी हुई साबरमती नदी में, गाड़ी फंसी थी दलदल में, अब वो किसान ऊपर से बैल को मार रहा था गाड़ी निकालने के लिए, गाड़ी में भार लदा था, वजन था, बैल निकाल नहीं पाता था और बार बार मार रहा था, तो स्वामी जी को ये प्रकरण वहां उतरा और वहां देखा कि जो बैल की दिशा हो रही है कोई इंसान की दिशा, इसके जीवन में भी भार लदा हुआ है, कुटुंब परिवार का, गृहस्थी का, अब इस पर इतना बोझ चलता नहीं है, कर नहीं सकता है, पर बच्चे चाहते हैं ना कि जितना मैं करता हूं उतनी काम कर, अब वो शक्ति नहीं रही उतनी, घोटों में दर्द होती है, कमर में दर्द होती है, सांस फूलती है, बच्चों को दया नहीं आती है, तो स्वामी जी को ये प्रकरण उतरा था कि जैसे इंसान बैल की दिशा हो रही है, जितनी ताकत लगा तो उतनी पैर दब जाते हैं, तारे कांधे चांदी रे दुखड़ा सा है, उसके यहाँ गांठ है, जोर लगाता तो दुखती है, ताकत नहीं लगा पाता, किसान को दया नहीं आती है कि सामान उतार दूं फिर गाड़ी निकाल के फिर लाद लेंगे, ऐसे ही कहते इंसान की दिशा वही हो रही बैल की तरह कि चारों तरफ से बंधा हुआ है, भाग भी नहीं सकता, आगे फिर कहते हैं जो आज्ञा है हक, जैसी राजी की हुक्म था वो ब्रह्म वैभव पुराण ले जा करके शाम तक सदगुरु महाराज को दे दिया जाके। प्यारे की जय।
न्याय का एक वाणी के अंदर हमारे बीच में आई हुई जिसके आगे का प्रश्न चुका है। बोलो अरब यात्रा बोलो बोलो छोड़ो ना जाए सरमंद भूल को मैं तो पाँव पर छोड़ो ना जाए अब चल मन मोही का करी जाएंगे कारण
संवत 1773 में अब महाराज ठाकुर तो उसी दिन लौट के आ गए, ला करके दे दिया सतगुरु महाराज को ब्रह्म वैभव पुराण। अब बाल भाई ने कहा इनको महाराज जी कोई लंबा काम बताओ। सतगुरु महाराज ने कहा भाई क्या बताया जाए। बाल भाई बोली भाई हमारा भाई अरब में गया है खेता भाई, उसको बुलवा लो, उसको लेकर के आएंगे तो यहाँ पर अपने परिवार में आ जाएगा और कुछ धर्म में भी धन लगाएगा, वहां भेज दो। सतगुरु महाराज से सलाह करके और मेरा ठाकुर को सतगुरु महाराज ने अब अरब के लिए भेज रहे हैं गांगजी भाई के काम को। गांगजी भाई के काम को, गांगजी का भाई है खेता भाई, अरब में गया उसको 25 साल हो गए, वहीं मस्त हो गया, कमाता खाता वहीं पर है। तुम जाओ श्री महाराज, तुम मेरा ठाकुर अरब में चले जाओ, खेता भाई गांगजी का, खेता भाई है गांगजी भाई का भाई है। जब गांगजी इतनी सेवा करते हैं सुंदर साहब की तो खेता आ जाएगा तो वो भी सेवा करेगा, ये तुम्हें एक शोभा मिल जाएगी कि एक आदमी 25 साल से बिछड़ा हुआ परिवार से और मेरा ठाकुर ने उसको ले आकर के परिवार में मिला दिया, ये आपको शोभा होगी, इसलिए आप अरब चले जाओ। अरब गया है 25 साल हो गए गए हुए, तुमसे ताप जाओ, आप जाओ और उसको लेकर के आओ, जो ये आए साथ में, जो ये सुंदर साथ में आएगा खेता भाई तो सेवा होगी, राम जी की सेवा होगी, धर्म में भी पैसा लगाएगा, सुंदर साथ की शोभा होगी और आपको शोभा मिलेगी, और आपको शोभा होगी कि देखो मेरा ठाकुर ने अरब से बुला करके एक आदमी को अब परिवार में मिला दिया आके, ये आपको शोभा होगी, सब कामनाएं पूर्ण होगी। जैसी सतगुरु देवचंद जी ने कहा वचनों को मान लिया, ये नहीं कहा कि महाराज जी अरब में मैं कभी गए नहीं इतने दूर कहाँ किस जगह होगा, इसलिए मना नहीं किया, तैयार हो गए हैं। सो मान लिया हुक्म, मान लिया सतगुरु का, नाव चलत बराबर। अरब के लिए नाव जाती थी तो नाव से जाकर के गए हैं, उसमें बैठ करके अरब चले जाओ, माँ फागुन के बीच में जब गर्मी का मौसम आ जाता था तो नाव चलती थी विदेशों के लिए, उनमें पर्दे लगे होते थे, हवा से चलती थी, हवा अनुकूल होती थी तो जाती थी, ऐसा कहते माँ फागुन के बीच में नाव चलती थी विदेश के लिए। 40 दिन में पहुंची, 40 दिन में जाकर के वहाँ पहुँचते है, 40 दिन लगे सफर में, 40 दिन में मेरा ठाकुर अरब में पहुंच जाते हैं, खेते को आए मिले। अरब में बसरा शहर था, बसरा शहर के अंदर रहता था खेता भाई, वहाँ जाकर के मिलते हैं, तो घर का एड्रेस लेके गए थे, सारा पता लेके गए थे, परिवार का नाम लेके गए थे, वो क्या जाना जब वो गया था तब तो शायद पैदा ही हुए होंगे, इसलिए कहते हो सारा पता जाके दिया कि मैं वहां से आया हूँ जामनगर से,
आपके परिवार की सूचना है, आप चलो अपने घर में बहुत धन कमा लिया है, अब राज्य के लिए कुछ करो चल के। जब सारा एड्रेस पता बताया तो बड़ा खुश हुआ वो, अपने साथ ही रख लिए। अब कारबार बखार का जो उसका बहुत बड़ा काम फैला हुआ था दुकान का, वो सब क्या करता है, सारा सौंप दिया मेरा ठाकुर को, सौंप दिया। और मेरा ठाकुर रोज समझाते हैं कि देखो भैया इस धन को क्या करोगे, ये किसी की रही है, किसी के साथ नहीं जाती है, सब यही छोड़ के चले जाते हैं, इसलिए धन को धर्म में लगाओ चल के, परिवार में लगाओ। और सद्गुरु महाराज आए हुए हैं तुम्हारे घर पे, उनसे अपना मंत्र लेकर के अपना जीवन को सफल करो, बहुत धन कमा लिया, ऐसा समझाते हैं। तुम नौतनपुरी को चलो, आप नौतनपुरी चलो अपने देश में, बहुत जमा किया दुनिया का धन, बहुत कुछ जमा कर लिया आपने, श्री तारतम की बातें, श्री तारतम की बातें सुनाई बहुत, तारतम ज्ञान की बातें सुना रहे कि सद्गुरु महाराज चर्चा वाणी करते, तुम्हारा सारा परिवार ने गुरु मंत्र ले लिया है, तुम भी चल करके लोग अपने जीवन को सफल करो, बहुत धन कमा लिया, कब तक कमाते रहोगे। उनको छांट न लागी, पर उनको छांट न लागी, उसको कुछ असर नहीं होता, उसको पैसा कमाने की धुन है, उनको छांट न लागी, जरा सा असर नहीं होता खेता को। सब गई अपनी बीतन, सारी बातें बताई परम धाम की, ब्रज की लीलाएं, रास की लीलाएं, सब प्रकार से समझाते हैं, रोज समझाते हैं, पर उसको असर नहीं, उसके मन में भूत बैठा है पैसा कमाने का। निर्धन कहे धनवान सुखी, निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को, और राजा कहे महाराजा सुखी है, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को, और ब्रह्मा कहे नारायण सुखी है, पर तुलसीदास विचार कहे हरि के भजन में सभी दुखारी, सब दुखी हैं, चाहे कोई कितना पैसे वाला हो, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई औलाद से दुखी, हर इंसान दुखी है, हमें देखने में लगता कि ये सुखी है, नानक दुखिया सब संसार, सुखिया सोई जो नाम आधार, बहुत कुछ समझा रहे उसको लेकिन कोई असर नहीं होता। चलो अब मेहरा ठाकुर सोच रहे हैं कि सतगुरु महाराज के वचनों को पालन करके आया हूं, तो खाली लौट जाऊं तो अच्छा नहीं है, इसको वहां पर लेकर के चलूं मैं, तो सेवा होगी श्री राज, राज्य की सेवा होगी, भाई है राम जी का, भाई है राम जी भाई का भाई है, इससे होते हैं काज, तो राम जी भाई इतना धर्म में धन लगा रहे हैं, ये भी लगाएगा, इसका कल्याण भी होगा, ऐसे जब रोज समझाते रहे तो खेता एक दिन बोला, देखो भाई मेरा ठाकुर सच बात तो मेरी ये सुन लो कि ये धन मैंने बेईमाना से कमाया है, और ये धन धर्म में लगने वाला नहीं, इस धन की तीन गति होगी, या तो ये पानी में डूबेगा, या ये राज दरबार में जाएगा, या ये आग में जलेगा, ये हमें पता है कि हमने मेहनत से नहीं कमाया है, ये धन धर्म में लगने वाला है नहीं, ऐसा खेता भाई ने कहा। जब वो चार साल स्वामी जी रहे वहां पर, और चार साल खूब समझाते रहे उसको, लेकिन उसको कोई असर नहीं, और एक दिन क्या हुआ, जब प्रारंभ में रहे हैं, बस हो गया, सब यही पड़ा रहता, आदमी अपने हाथ से 2 रुपया नहीं किसी को दे सकता, मरने के बाद सब लूट ले जाओ, जानते सब हैं कि जाएगा कुछ नहीं साथ में। एक दिन ऐसा हुआ, बीमार हुआ और खेता गुजर गया, मेरा ठाकुर बाहर थे, जो उधार खाता चल रहा था उसको समेट रहे थे, इधर देखा तो खेता खत्म हो गया, मौत हुआ तब गुजर गया खेता भाई, मार मता बखार पर, अब जितनी दुकान गोदाम थी सब पर कहते किसने कब्जा कर लिया, कोई हाकिम की मोहर, हाकिम की मोहर, वहां का हाकिम था शेख सल्ला, उसने सारे ताले मार दिए कि आदमी 25 साल से यहाँ था, इसका कोई वारस नहीं है,
इसका वारस हम है, ऐसा उसने कब्जा कर लिया। अब मेरा ठाकुर तो बाहर थे, जब शाम को आए तो देखा वहां भीड़ लगी हुई, भाई गुजर गया आदमी, परदेश का था ये। अब हाकिम जो बसरा शहर का शेख सल्ला था, उसने जोरा किया कि ये एक आदमी है हिंदुस्तान से आया, मेरा ठाकुर कहते हैं, इसको खत्म करो और माल सब अपना, फिर तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो मेरा ठाकुर को मरवाने के लिए उसने आदमी लगा दिए। उस हाकिम ने बुरी नजर करी है, बुरी नजर करी मेरा ठाकुर को मरवाने के लिए कि इसको खत्म करो, फिर तो सब माल अपना ही है, ऐसे आदमी लगाए। तब जान गए मेरा ठाकुर कि इसकी बुरी नजर है। वहां कहा जाकर के, भाई इसका बारिश तो मैं हूं। अब वो कहने लगा, नहीं नहीं इसका बारिश मैं हूं। तो वहां से रात को निकल गए मेरा ठाकुर पहाड़ में, काफी दूर जाकर के सवेरा हुआ है, यहां से जाके विचार करने लगे, अब क्या करूं, धन भी ना मिला, आदमी भी ना मिला, तो सतगुरु महाराज को हम क्या मुंह दिखाऊंगा जाकर के। इसलिए जाकर के अब वहां का जो बादशाह था अरब का, उस बादशाह के पास जाते हैं, पहुंचे सुल्तान इमाम। वहां का जो बादशाह था उसको फरियाद लगाने गए हैं, फरियाद गरीबों का सुनो। वो महीना तक फरियाद करते रहे, पर दरबार जाते हैं दरबार में तो बाहर से लोग लौटार देते सिपाही, देखते अरे तो हिंदू है, कंठी कंठी गले में इसके तिलक लगाए हैं, भगा देते, अंदर जाने नहीं देते। दो महीना तक भटकते रहे, पर किसी ने सुनाई ना करी खेता भाई के लिए, कि खेता तो चला गया, चलो उसका धन तो पहुंचा दूं सदगुरु महाराज के पास। दो महीना बड़ी मेहनत करी लेकिन कुछ कामयाब नहीं हुए, से पीछे तब हार के निराश होकर के लौट पड़े कि अब अपने देश जाऊंगा, कोई सुनता है नहीं, हमारा यहाँ कोई है नहीं। तो वहां से लौट उदास होकर लौट रहे थे, तो एक अरब के भेष में एक मिला 70 साल का आदमी। ये एक जगह बैठे थे पुलिया पर पेड़ की छाया में वापस आने के लिए, तो उसने कहा, बेटा क्यों उदास बैठे, क्या बात है। उसके आगे अपनी सारी बात बताते हैं, उनके आगे अपनी बीतक कही कि मेरा एक आदमी यहाँ 25 साल से धंधा व्यापार करता था और वो गुजर गया है, उसका सारा माल लोगों ने लूट लिया, हम बादशाह के पास जाते हमारी वहां फरियाद नहीं सुनी जा रही है, ऐसी सारी बात बताई। लिख दिया तब तो उसने पेन निकाला, कागज निकाला और एक चिट्ठी लिखी और बोले, लो ये बादशाह को दे देना, कल जुम्मा है ना, कल जुम्मे को बादशाह आएगा नमाज पढ़ने के लिए, तो आप उसको ये चिट्ठी पकड़ा देना, डरना नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, हिम्मत करके चिट्ठी उसके हाथ में पकड़ा देना, हिम्मत करके कहना, अपनी दिल की बात सारी सुना देना, और ये चिट्ठी में लिखा है अभी पढ़ के दिखा देना उसको। जब निकले सुल्तान, जब सुल्तान निमाज को निकलेगा, तब छेड़ा पकड़ के, तब उसका छेड़ा पकड़ के, डरना नहीं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, उसका छेड़ा कपड़ा पकड़ करके कह देना कि बादशाह मेरी अब फरियाद सुन ले। मेरे गले में थी, अब क्या लिखा था उसमें, मेरे गले में थी, हे बादशाह ये कह देना कि हमारे गले में ये बोझ था, मैं धर्म के काम पर आया था और एक आदमी को ले जाने के लिए, उसके परिवार में लाने के लिए हमारा माल लोगों ने लूट लिया है, सो मैं डाला तुम गले तो मैं। और बादशाह कहना कि तुम्हारे गले में डालता हूँ, तुम बादशाह हो, तुम इसका फैसला करना है, ये हिसाब रोज के। और ये मत सोचना, उस चिट्ठी में लिखा था कि ले हिसाब रोज ईद के, अल्लाह ताला ईद के दिन इंसाफ के तख्त पर बैठ करके नेकी बदी का सबका हिसाब करेगा, उस दिन मैं तुम्हारे से पाई पाई के हिसाब ले लूंगा, ऐसा कह देना। जब होगे हक हुकम, जब हक का हुक्म होगा तुम्हारे पर, जब चला सुल्तान निवास को, तब वो तो आदमी कह के अलोप हो गया। अब मेरा ठाकुर इसी इंतजार में थे, अगले दिन
तो जब बादशाह निमाड़ के लिए निकला तो एक खड़े बीच राह। अब वो बादशाह जब निमाड़ के लिए निकला, हजारों मुसलमान थे उसके अंगरक्षक से चारों तरफ से। तो जब निमाड़ के लिए निकला तो मेरा ठाकुर क्या करते हैं, पूरी भीड़ में, विदेश में पूरी भीड़ में मुसलमानों के बीच में घुस करके उसका ये पल्ला छेड़ा पकड़ लिया। जामा पहने था, जामा का कपड़ा पीछे से पकड़ लिया है, टूट गई कस्ता। वो तनीदार जामा बांध रखा था उसने। जब वो चला उसको डर तो था ही नहीं, 80 साल का बादशाह है, मेरा ठाकुर अभी 32 साल की उम्र है। तो उस जब निकला सुल्तान ने छेड़ा पकड़ लिया तो उसकी तनी टूट गई। हाँ इंतमाम जोरा पर उसका इंतजाम बहुत जबरदस्त था बादशाह का, चारों तरफ उसके सैनिक चल रहे थे, एकदम दौड़ पड़े मारने के लिए कि ये हिंदू है, इसने हमारे बादशाह को नापाक कर दिया। सब मारने में दौड़ पड़े, सब वर्गे सुल्तान, रुक जाओ भाई, अभी कुछ नहीं कहना, इसकी सुन लेने दो पहले, क्या कहना चाहता है। ये कहो हकीकत अपनी। बादशाह बोलता है, मेरा ठाकुर सी की कहो क्या कहना चाहते हो। मैं सुनूं अपने कान, अपने कान से सुनेंगे, क्या फरियाद है तुम्हारी। ला तखो पिया बनी, अपनी भाषा में बोला। ला माने मत, तखो माने डर, बनी माने लड़का। हे लड़के डरो मत, कहो क्या कहना चाहते हो, क्या तुम्हारी फरियाद है। तो सब तेरी बात, अपनी बात कहो क्या कहना चाहते हो। तब रुका दिया हाथ में, तब रुका दिया, वो लिखा हुआ जो चिट्ठी थी वो पकड़ा दी बादशाह को, और क्या कहा है। सब कही बादशाह, ये हमारा फैसला, हमारे लोगों ने माल लूट लिया है, और आप बादशाह यहाँ फैसला नहीं करेंगे तो ये सोच लो कि अल्लाह ताला के हाथ में जब तुम्हारा हाथ होगा तब भी मैं पेश होकर के तुम्हारे से पाई पाई वसूल करवा लूंगा। आज तुम बादशाह हो, तुम जानते हो हमारा कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन जब खुदा के हाथ में तुम्हारा हाथ होगा तब मैं पेश होकर के तुम्हारा फिर दामन पकड़ूंगा, और दामन पकड़ के पाई पाई वसूल करा लूंगा खुदा के सामने। ऐसा कहा जब वो, मैं अपनी गले का बोझ, और हमारे गले में ये बोझ था, हम एक धर्म के काम पर आए थे, हम एक परोपकार पर आए थे, ये हमारे गले में बोझ था बादशाह, तुम्हारे गले में मैं डाल रहा हूँ, तुम्हारे गले में डाल रहा हूँ। और ये मत सोचना कि मेरा कोई हिसाब लेने वाला नहीं, जब खुदा के हाथ में तुम्हारा हाथ होगा तब तुम्हारे से पाई पाई का हिसाब करवा दूंगा। ये खुदा के हुक्म से, जब हाथ तुम्हारा हाथ में जब खुदा तुम्हारा हाथ थामेगा और तुम्हारे से हिसाब लेगा, उस दिन मैं पेश हो जाऊंगा और कहूंगा ये बादशाह ने गुनाह किया। क्योंकि आदमी ये सोचता है, अरे कर लो जो करना, कौन कोई देख रहा है। पर भाई एक दिन हिसाब देना पड़ेगा। स्वामी जी बाणी में कहते ना, लाचे तहां न छूट ही सगन ओ लखाण कोए, मार भूड़ा जमदूत नी दया के पिनने ना होए। उसकी अदालत में सुंदर साहब जी रिश्वत नहीं चलती, लाचे तहां न छूट ही। यहां तो तुम कुछ भी कर लो और रिश्वत भर दो छूट जाओगे, पर उसकी अदालत में रिश्वत भी नहीं चलती। लाचे तहां छूटे सगानों लखाण कुए, और वहां तुम ही अकेले हो गए उसकी अदालत में, कोई सगा संबंधी रिश्तेदार परिवार नहीं दिखाई देगा वहां। और कितनी जमराज की मार होती कठिन, वो तो वही जीव जानता जिसको भोगना पड़ता। तो यहां पर मेरा ठाकुर कहते हैं कि बादशाह है, कि मत सोचना कि मैं बादशाह हूं, मैं खुदा के सामने तुम्हारा फिर दामन पकड़ूंगा और पाई पाई का हिसाब करवा लूंगा, अगर आपने हमारा फैसला ना किया तो। इंशाअल्लाह ताला रोजी इसके, जब ईद के दिन अल्लाह ताला कहते नेकी के तख्त पर बैठ करके सबका हिसाब लेगा,
उस समय मैं दामन फिर पकड़ूंगा, तब ले उन दामन झटक के, तब तुम्हारा दामन झटक के हिसाब करवा लूंगा। तब जवाब सुल्तान ने, तब जवाब सुल्तान ने दिया जो परिंद। अब सुल्तान हैरान हो गया, जवाब दे रहा मेरा ठाकुर पल्ला पकड़े खड़े हैं, देख लो हजारों मुसलमानों के बीच में सदगुरु की वचनों को पालन करने के लिए जान की बाजी लगा दी। तब सुल्तान क्या कहता है, ये कलाम दुर्लभ है, ये कलाम दुर्लभ है, ये कलाम वचन दुर्लभ। मेरी 80 साल की उम्र हो गई पर आज दिन तक कोई फरियादू ऐसा नहीं आया जो कह दे कि अल्लाह ताला के सामने पाई पाई के हिसाब ले लूंगा। ये कलाम दुर्लभ, ये वचन तो बहुत दुर्लभ है, ऐसा हमें आज दिन तक भी किसी ने नहीं कहा। तो कयामत की वक्त की बात करता है कि कयामत के समय में हम पाई पाई हिसाब करवा लूंगा। और छेड़ा पकड़े खड़े थे, अपना छेड़ा छुड़ा लिया बादशाह ने, ऊपर की तरफ देख रहा बादशाह, हे खुदा आज मैं क्या देख रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि खुद खुदा ही मुझे नसीहत कर रहा है। ऊपर को देख करके बादशाह फिर मेरा ठाकुर के चेहरे को देखता है, फिर ऊपर को देखता है कि आज मैं क्या देख रहा हूं, आज खुदा ही मुझे नसीहत कर रहा है। मेरा ठाकुर खड़े पास में, ये सुगंध मुझको कब हूं, ये सुगंध मुझको कब हूं, क्यों ना सुनाए, कभी नहीं ये बात नहीं कही मेरे से कि खुदा के सामने हिसाब कराऊंगा। ये तो वचन दुर्लभ है, बहुत कठिन है, खुदा के सामने हिसाब करवाने वाला ये पहला आदमी मुझे नजर आ रहा है। कैसे कहा, मैं दांतों को ना कहता, पर मेरा ठाकुर ने कहा कि बादशाह मुझे पता है कि मैंने गुनाह किया, आप बादशाह हैं, हमने आपको रास्ते में पकड़ा, पर मैं क्या करूं, तो आपको इतना मैं नहीं कहता, पर हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, पर मुझ पर हुआ जुल्म, पर हमारे ऊपर जुल्म हो रहा, मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, तब मैंने सीधा आपको पकड़ा है। मैं बहुत जगह भटका, बहुत जगह भटका हूँ, तब फरियाद करी आगे, तो आपके आगे मैंने फरियाद करी, इंशाल्लाह करी, बड़े प्यार से बोल रहा बादशाह, और कहता इंशाल्लाह ताला करे, हम क्या इंसाफ करेंगे, अगर हम दोनों जीवित रहे तो कल इंशाल्लाह ताला करे अल्लाह ताला इंसाफ करेगा, कल सबसे पहले मैं आपका ही फैसला होगा। ऐसा बादशाह ने कहा, मैं तेरा इंसाफ करूंगा, आज तो हमारा दरबार बंद है, आज जुम्मा है, नमाज का दिन है, लेकिन अगर खुदा ने चाहा हम दोनों को जीवित रखा तो कल सबसे पहले तेरा ही फैसला होगा, तेरा तुझको दिलाऊं और तेरी पाई पाई दिला दूंगा मैं, कर दिया तो ये सब माफ, और तुझे मैंने माफ कर दिया जो तूने गुनाह किया, क्योंकि मैं बादशाह हूं और मुझे रास्ते में छेड़ा, रास्ते में पकड़ा, तो जो तूने गुनाह किया मैं तुझे सब माफ कर रहा हूँ। प्यारे की है, तू तो बादशाह निमाज के लिए चला जाता है, फिर ये जहाँ ठहरे थे वही आ जाते हैं। अब पता तो बताया नहीं था कि मैं कहाँ रहता हूँ, तो बादशाह ने दोस्त मेरी नींद नहीं आई सारी रात बादशाह कि अगर ये फैसला मैं भूल गया तो खुदा के सामने गुनहगार होना पड़ेगा। सारी रात नहीं सोया, सवेरे चौकीदारों को नौकरों को सिपाहियों को कह दिया कि जिस आदमी ने मुझे कल पकड़ा था रास्ते में छेड़ा पकड़ा था उसको लेकर के आओ, उसका फैसला होना है। तो सिपाही भेज दिए बादशाह ने, उस शख्स को, उस आदमी को लेकर के आओ जिसने मुझे पकड़ा था रास्ते में, दामन झटका बीच रहा है, इन्होंने हमारा दामन पकड़ा था, उस आदमी को लेकर के आओ, इनका इंसाफ पहले करूं, इसका सबसे पहले इंसाफ इसका करूंगा, क्योंकि ये खुदा से वास्ता रखता है, ये खुदा के लिए कहता कि पाई पाई के साफ कराऊंगा, इसलिए उसको लेकर के आओ, फैसला करना है। चौकीदार पुकारता, अब
पता तो दिया नहीं था, नाम बताया नहीं था, तो चौकीदार बुला रहे सिपाही गली गली में, कह रहे भाई वो कौन सा शख्स है जिसने हमारे बादशाह को कल छेड़ा पकड़ा था, उसका फैसला होना है, मेरे साथ चले। ऐसी आवाज लगा रहे गलियों में, वो कौन इंसान है जिन्हें हमारे बादशाह को पकड़ा था, जिन हमारे बादशाह को पकड़ा था, अपनी फरियाद सुनाई थी, उसका फैसला होना है। स्वामी जी तो खड़े थे बाहर दरवाजे पर, जब ऐसा सुना तो कहने लगे मैं हूँ भाई, मैंने बादशाह को छेड़ा पकड़ा था, मैं हूँ वो। तो दो बाजू को पकड़ के, तो दो सिपाही ने दोनों बाजू पकड़ के ले जा रहे, इन्होंने सोचा कि बादशाह सजा देगा इसको, इसलिए हाथ पकड़ करके बाजू पकड़ करके और बादशाह के सामने पहुंचाया है। राज्य के हुक्म की वजह से जाके बादशाह के तले खड़ा किया। अब बादशाह के पास पहुंच जाते ये बड़े प्यार से बोल रहा बादशाह, ऊंची बात हिंदुस्तान, भाई तुम कहाँ से आए हो? इन्होंने कहा मैं हिंदुस्तान से आया हूँ, वहाँ कौन सा राजा है, कौन सा बादशाह है, कैसा व्यवहार वहां पर, क्या चीज पैदा होती है, कई बातें बादशाह बड़े प्यार से मेरा ठाकुर से पूछ रहा है। हकीकत पूछी इस्लाम की कि हिंदुस्तान में कौन सा राजा है, कौन बादशाह है, कैसा उसका व्यवहार है, जनता के साथ क्या करता है वो, जो करता है सुल्तान। ऐसे बड़े प्यार से बादशाह है पूछ रहा है, राजी हो बातें करी। वो जान गया कि खुदा का ही भेजा हुआ है ये, इसलिए बड़े राजी होकर के बात करता बादशाह है। बादशाह ने कहा देखो तुमने गलती करी, गुनाह किया, हम बादशाह हैं यहाँ के, और तुमने फरियाद करते, हमारे दीवान हैं, बाहर पहरेदार हैं, उनको फरियाद करते, वो मुझे आके कहते तुमने सीधा आकर के मुझे पकड़ा दो, तब बचाया तिनको। अगर कह देते मेरा ठाकुर कि जो आपके यहाँ चौकीदार बाहर खड़े रहते हैं, इन्होंने मुझे अंदर जाने नहीं दिया, मना कर दिया, 2 महीना तक घूमते रहे, पर स्वामी जी कहते दुख ना दे फूल पाखड़ी, देखूं शीतल नयन, सुख उपजाऊं सब अंगों बोलाऊं मीठे बहन, मैं तो इतना भी दुख नहीं दे सकता किसी को कि एक फूल की पत्ती किसी को मार दो वो चुभे, इतना भी दुख नहीं देता हूं। तब बचाया तिनको, उनको बचा लिया। अगर कह देते कि आपके नौकरी बाहर जो पहरेदार हैं, इन्होंने मुझे जाने नहीं दिया, तो हो सकता है बादशाह या तो उनको मरवा देता है, नौकरी से हटा देता, इसलिए नहीं कहा इन्होंने। मैंने भाई हमें पता नहीं था आपकी रिवाज कैसी यहाँ सी, इसलिए मैंने आपको सीधा आपको पकड़ा, मैंने किसी को नहीं सुनाया, हमें पता नहीं था। तो बहुत राजी भाई, तो बहुत राजी हो गया बादशाह। उसने कहा बताओ भाई क्या फैसला है आपका, आपके साथ क्या गुनाह हुआ? तो उन्होंने कहा भाई शेख सल्लाह है बसरा शहर का, हमारा आदमी 25 साल से यहाँ नौकरी धंधा कर रहा था, और उसका वो गुजर गया, उसका सामान सब लूट लिया लोगों ने, अगर अब आपकी कृपा हो तो हमारा सामान हमें दिया जाए, ऐसे कहा है। उसी वक्त बादशाह ने उसी समय चिट्ठी लिखी, उसी समय हुक्म हुआ है जाहिर उखाड़ू बुनियाद। शेख सल्ला के नाम से चिट्ठी लिखी कि जाहिर उखाड़ू बुनियाद, जन बच्चों से खत्म कर दूंगा, ये इंसान हिंदुस्तान में जाएगा तो क्या कहेगा जाके, हमारी बदनामी होगी कि वहां का बादशाह फैसला नहीं करता, हमारा धन सब लुटवा दिया, हमारी बदनामी होगी, इसलिए शेख सल्ला ये चिट्ठी सुनते ही पाई पाई दे दी जाए इस आदमी की, जितना धन था इनको सब दिया जाए, सुनते ही दे देना है, हाँ जड़मूल से खत्म कर दूंगा मैं, अगर मेरी बात को नहीं माना तो, जो फेरा मेरा हुक्म है, अगर हमारा हुक्म फेर दिया तो, ऐसी चिट्ठी लिख करके
मेरा ठाकुर को पकड़ा दिए, चौकीदार दे दिया साथ में कि जाओ उसको दरवाजे उसको चिट्ठी दे दो जाके, दिया चौकीदार चौकीदार को दिया है, जा करके पहुंच गए शेख सल्ला के दरवाजे, शेख सल्ला के द्वारे, शेख सल्ला के दरवाजे पहुंच जाते जब वो कागज दिया हाथ में और उस सिपाही ने कागज दिया जिसको ध्यान से पढ़ लो क्या लिखा इसमें। जैसे उसने देखा बादशाह ने कहा कि जन बच्चों से मरवा दूंगा अगर मेरा हुक्म को फेरा तो। उसी समय उसने जो ताले मार रखे थे हाथों हाथ मेरा ठाकुर को चाबी पकड़ा दी कि लो ये तुम्हारा सारा माल वहीं को वहीं है, कोई नहीं किसी ने नहीं छेड़ा, ऐसा दे देता है, जल्दी करना है। चौकीदार ने कहा मेरे ऊपर हुक्म हुआ है बादशाह का, इस शख्स का धन हमारे सामने दिलवाना खड़े खड़े, इन शख्स के बाप इनके तरफ को हुक्म हुआ है, तुरंत कुंजी बखारी। उसी समय गोदाम दुकान जो थी सारी चाबियां दे दी हैं और सामान जब जितना सामान था सब दे दिया, उसी समय निकाल करके दे देते हैं। ढील नहीं करी, क्यों? चिट्ठी में ऐसा लिखा था, डर गया कि अगर मैंने गड़बड़ करी तो मरवा देगा बादशाह, उसी समय दे देता चाबियां। सुनी बात श्री देवचंद जी, अब सुनी बात श्री देवचंद जी, वो तो तन की जाने मन की जाने दिल की जाने चोरी, सदगुरु से क्या छुपा है वो तो सब देख रहे। उन्होंने वहां से दो जनों को भेजते हैं, भेजे बिहारी जी शाह, बिहारी जी को भेजा अपने पुत्र को, और गांधी भाई का लड़का श्याम जी है उसको भेजा, पर और बीतक कारों ने कहा कि मान जी को भी भेजा था, लालदास महाराज दो ही का लिखते हैं, पर और बीतक कारों ने कहा कि तीन गए थे और जाकर के वहां पहुंच रहे हैं। पहुंचे आए बराबर। अब ये तो क्या हुआ, चाबियां मिल गई थी, अपना खोला धंधा समेटने लगे, ये बाहर थे उगराई में सामान के लिए, तब तक कहते वहां गोदाम में आग लग गई, किसी कारणवश आग लग गई, तो जितना सोने चांदी का माल था वो तो बच गया, बाकी जल के सब राख हो गया। और ये जाकर के तीनों वहां पहुंच रहे, जाकर के सारा हिसाब किताब मेरा ठाकुर ने उनके आगे रख दिया कि देखो ये गुरु पुत्र हैं और ये उनका भतीजा है जिसका माल है, हमें कुछ नहीं चाहिए। उनके आगे सारा हिसाब किताब रख देते हैं, मुलाकात करी जाके हाथ में सारा लेखा कितना खर्चा होता था, कितनी कमाई है, कितना माल है यहाँ, सब उनको दे दिया है। पहुंची सब सामान, जो सामान था सब दे देते हैं, और रोज का जो खर्चा था वो भी आगे रख दिया, जो लिखा था नाम जो लिखा हुआ था हिसाब किताब सब मैंने अपनी, और अपनी मेहनत करके बताई कि ये तो धन चला गया था, सदगुरु की कृपा से मिल गया, ये तो लोगों ने ताले मार दिए तो छुड़ा लिया था, सदगुरु की कृपा हुई तो ये धन बच गया, दिखाई बात अपनी बात करके दिखाई है, पर इनको का कुफर, पर इनों का कुफर, इनके मन में कुफर है कि मेरा ठाकुर बहुत तेज आदमी है, झूठ मूठ की आग लगा दी होगी और कह दिया माल सारा जल गया, इनों का कुफर, इनके मन में कुफर है, बेईमाना है कि सच्चाई नहीं बता रहे मेरा ठाकुर, इनके मन का कुफर नहीं जाता है। यहाँ से थी फेर के, यहाँ से फिर क्या हुआ, जो सामान माल था वो दे दिया श्याम जी को, बिहारी जी को, और मान जी बताते साथ में थे वो भी चल दिए वापस ला रहे माल को। रास्ते में सलाह करी कि हम सदगुरु महाराज को बता देंगे मेरा ठाकुर ने कुछ नहीं दिया, और ये संपत्ति जो हिया जवाहरात है चीजें हैं ये हम लोग अपने अपने बांट लेंगे घर में। तो मान जी था, मान जी ने कहा भाई देखो सदगुरु पूछेंगे तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सही सही बता दूंगा। तो बिहारी जी ने और श्याम जी ने सलाह करी कि ये काम गड़बड़ करेगा, इसको खत्म करो। तो रास्ते में बताते नाव पर आ रहे थे और बीतक कारण लिखा
रास्ते में तीनों आ रहे थे, दातौन कर रहे थे, और जान करके जो तलवार थी जिस मुठ में हीरे लगे थे वो तलवार पानी में डाल दी और बोले मान जी तलवार गिर गई, तलवार गिर गई, पकड़ो पकड़ो। मान जी ऐसा करने लगा, ऊपर से धक्का मार दिया उसको, वही खत्म कर दिया। ऐसा और भी तक कारण लिखा है लालदास ने नहीं। तो ये दोनों वहां से आए और मेरा ठाकुर जो उधार खाता था वो समेटने में थोड़ा टाइम लगा। आए पुरी नौतनपुरी आते हैं दोनों लौट के, चुगली बाल भाई करी। अब चुगली बाल भाई करी, बिहारी जी ने बाल भाई को कह दिया कि बाल भाई अब वो मेरा ठाकुर नहीं रहे, हमारे तो रास्ते का खर्चा भी नहीं दिया, हमें सब माल उसी ने हड़प कर लिया। तो चुगली बाल भाई करी, तो बाल भाई ने सदगुरु महाराज से कहा कि महाराज जी हमारे भाई का धन मेरा ठाकुर ने सब लूट लिया, अब मेरा ठाकुर से आप बोलना नहीं, बात नहीं करना, अगर उनकी प्रणाम लोगे बात करोगे तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी, ये कह दिया। और उधर बाल भाई ने राजा जाम राजा के यहां जाकर के शिकायत लगा दी कि मेरे भाई का माल मेरा ठाकुर ले आ रहा है, लिहाजा वो मुझे मिलना चाहिए, मैं बारस हूं उसकी बहन हूं मैं, अगर मुझे ना मिले तो राज दरबार में जाना चाहिए। ऐसा दरबार में कह दिया जाके, सुनाई जाम के काने, जाम राजा के यहाँ जाके बात शिकायत लगा दी। विक्रम संवत 1708 के साल में वहां से मेरा ठाकुर जब चल रहे हैं तो आकर के आर्य जामनगर को हुआ ये मजबूर, ये मजबूर हुआ है सब सामग्री रावर में, सब सामग्री रावर में मेरा ठाकुर को तो कहते 14 तपक की साहिबी तो बारू तेरे विराह पर, मेरा ठाकुर कहते 14 लोग की हमें साहिबी दे दी जाए तो अभी मैं सतगुरु के चरणों में अर्पण कर दूंगा, ये धन क्या है। लेकिन इन लोगों का कुफर है, खुद बेईमान है, दूसरों को बेईमान बताती। जैसे मेरा ठाकुर आए, राजा ने पहरेदार लगा दिए थे, जहां नाव उतरती थी वहीं मेरा ठाकुर को पकड़ लिया गया, सारे हिसाब किताब खाते देखे गए, जब कहीं गलती नहीं निकली तो वो धन राजा ने रख लिया और मेरा ठाकुर को कहा जाओ अब खाली हाथ आ रहे हैं सतगुरु महाराज के पास। पर बाल भाई ने चुगली लगा दी थी, जब पता चल गया कि मेरा ठाकुर आए हैं तो सतगुरु महाराज ने पर्दा कर दिया, पर्दा पच्चे कीदा पच्ची ना जानो जीव राखो के ही रीत। इंद्रावती कहेगा हमारे कैसे प्राण बचे, ये तो धनी ने धागा नहीं, हमारे सदगुरु हो करके सदगुरु ने मुख मोड़ लिया, आप किससे धर पर जाऊं, हमारे लिए सदगुरु से बढ़कर के कोई नहीं है और सदगुरु ने मुंह मोड़ लिया, अब मैं कहां जाऊं। बक्षत्री थे, जब प्रणाम करी सतगुरु महाराज को दो बार बोले नहीं, चद्दर कर ली, तो मेरा ठाकुर ने कहा कि जब तक बुलाओगे नहीं सतगुरु मैं भी तुम्हारे दर पे आऊंगा नहीं, कसम खा करके अपने घर चले गए। यहाँ से फेर के अब एक साल घर में बैठे रहे, रोते रहते हैं घर में बैठे बैठे, ना सतगुरु महाराज बुलाते हैं ना ये जाते हैं। तो एक दिन भौजाए जो समलिया भाई था उसकी घरवाली ने कहा कि मेरा ठाकुर क्या हो गया, एक दिन वो भी था कि जरा सी गुरु गुरु की निंदा हो गई थी तो भाई का गला काटने दौड़ पड़े थे, आज तुझे शर्म नहीं आती उसी भाई का कमाया हुआ खा रहा बैठ करके। जब ऐसा कहा बहुत चोट लगी, क्योंकि हथियार का घाव एक दिन भर जाता है पर जवान का घाव कभी जिंदगी में भरता नहीं, जवान की चोट कभी भरती नहीं जिंदगी में। द्रौपदी ने क्या कहा था जब दुर्योधन गया था पांडवों के महल में, तो ऐसा महल बना रखा था
कि जहां सूखा था वहां लगता था पानी भरा है, और जहां पानी था वहां लगता था सूखा था, ऐसा महल बना रखा था। तो जब दुर्योधन मिलने गया तो धोती ऊपर को चढ़ा ली, सूखी जगह थी, लगा पानी है यहां, धोती ऊपर को चढ़ा ली तो द्रौपदी हंसी और बोली, अंधे के अंधे पैदा होते। उतनी बात के ऊपर पूरा महाभारत हो गया। वचन संभाल के बोलिए, वचन के हाथ न पाओ, एक वचन करे औषधि, एक वचन करे घाव। जवान का घाव जिंदगी का भी भरता नहीं। मेरा ठाकुर को इतनी चोट लगी कि इससे तो कमा के खा लूंगा, पर भौजाई के वचन सुन नहीं जाते तो क्या होता। वहां से फिर छोड़ करके धरोल चले गए कल्ला राजा के पास में कि मेहनत करके खाऊंगा। कहां जाए रोजगार की, वहां मन में सोचा कि कमा के खाऊंगा, पर ये ऐसा खाना मेरे को नहीं अच्छा लगता, ये ताने के वचन नहीं सुने जाते। तो वहां कल्ला जी के पास रहे, उनकी जो राज का कारभार था वो वजीर पना लेकर के आपने उनका काम संभाला है 2 साल में। उसके बाद गुजरात गए, कल्ला जी राजा के काम से 8 महीना गुजरात रहे हैं। 8 महीने गुजरात में रहे, फिर आए गुजरात से, फिर गुजरात से कल्ला राजा के पास आ जाते मेरा ठाकुर। मन में आया कि आखिरकार हमारे सतगुरु हैं, उनसे हम क्यों ऐसा वो करें। अरे दुनिया की गुलामी हम कर ही रहे ना, इस राजा की नौकरी कर रहे हैं, अपने सदगुरु की नौकरी करूंगा जा करके। ऐसे इनके मन में आया तो क्या कहते, कल्ला से कहने लगे कि राजन अब मेरी इच्छा होती कि मैं अपने गुरु के दर्शन करूंगा, बहुत दिन हो गए मैं उनसे बिछड़े हुए। ऐसा कल्ला से बख्शीश मांग रहे, विक्रम संवत 1712 के साल में, अब 3 में गए थे और 12 में आ रहे हैं, कितने साल हो गए, 9 साल। 9 साल की जुदागी, इंद्रावती कहती रणबगड़ा जुओ केम हो, सुंदर सा जी देखो, इसी को रणबगड़ा प्रदेश कहा जाता, कि एक ही शहर में बैठे लेकिन मिलाप नहीं हो रहा। तो यहां पर जाके कल्ला से बख्शीश मांगते हैं, अब अपने सतगुरु से शिक्षा लूंगा जाके, अब मौसम दुनिया का काम काज मेरे से नहीं होगा, नहीं होता, मैं दुनिया की गुलामी करता हूँ, अपने सतगुरु की गुलामी करूंगा जाके। एक दिन एकांत में बैठ करके धनी का ध्यान करूंगा, अपने धनी की सेवा करूंगा, कि जिंदगी ऐसी बीती जा रही हमारी निकल जाएगी, इसलिए मैं तो राजन मुझे आप माफ करें, मुझे छुट्टी दें, मैं जाना चाहता हूँ। तब कल्ला जी ने क्या कहा, तेरा अधिकार, मेरा ठाकुर तेरा अधिकार है, तो जिसको अच्छा समझो उसको दे दूं, मैं किसको बता दूं, आप जैसा आदमी तो हमें मिलना नहीं इतना अच्छा, लेकिन आप जिसको सौंप दोगे उसको मैं मान लूंगा। जिसे जानो से सौंप दो, वैसे हमारे रात को चलाएगा। अब इस समय सतगुरु देवचंद जी महाराज की श्रद्धा परम धाम के लिए जा रही है, तो उन्होंने कहा मेरा ठाकुर को याद किया है, उनकी श्रद्धा भूमि परम धाम को सतगुरु देवचंद जी महाराज कहते हैं कि मेरा ठाकुर की बुला के ले आओ, मेरे हजूर स्थान हमारे पास बुला के लाओ उनको। इसको अभी चलाई टाइम हो गया, वैसे देर हो जाएगी, कल कर लियो, कल चला लियो, जवाब नहीं आया तो कल चला। जी जयकारा लगाइए सुंदर सा जी।
बोलो श्री प्रहलाद प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। इन समय श्री देवचंद जी की, इन समय श्री देवचंद्र जी की सूरत निज धाम, श्री सूरत निज धाम में बुलाए आओ श्री महाराज को, बुलाए लियाओ श्री महाराज को, मेरे हजूर इस धाम में, मेरे हजूर इस धाम में, हजूर इस धाम में, मेरे हजूर इस धाम में, ओ श्री प्रहलाद प्यारे की जय। धनी की जय। श्री आनंद मंगल श्री नाम की जय। श्री भाई जुराजू की जय। श्री महाराजा छत्र प्रणाम प्रणाम। हाँ प्यारे की मेरे नैनों में बस जाओ राज क्षमा, मेरे नैनों में बस जाओ राज क्षमा, मेरे नैनों में बस जाओ राज क्षमा, केसर बाई के बाल पधारे, केसर बाई के बाल पधारे, चरण बकाल विदाई वालो, चरण बकाल विदाई दूर की चौकी प्रणारू मंदिर, मेरे दूर की चौकी प्रणारू मंदिर में, तापर जियावर आए वालो, तापर सुंदर आए जो लाड़ पाई, जो काल ले आई लाड़ पाई, जो काल ले आई पक मन मौत बनाई,
आनंद मंगल श्री राम रणी झुकी जय श्री वाहिगुरा झुकी जय श्री महाराजा छत्रसाल झुकी जय श्री सुंदर साहब झुकी जय श्री सुंदर साहब जी अवर जी साहिब जी के चरणारविंद श्री राम नाम प्यारे श्रीमती रीना पुराणा श्री कुलदीप पुराणा श्री अनमोल जला श्री अनिल जला श्री राजीव प्रणामी श्री सतीश कुमार जी जला श्री सचिन प्रणामी श्री तरुण प्रणामी श्री के पे रामी श्याम रामी श्री अनिल तलेजा श्री राजकुमार तलेजा श्री रोहन तलेजा श्री रवि तलेजा सुनील कुमार जी तलेजा श्रीमती कुसुम लता प्रणामी श्री कपिल प्रणामी श्री राकेश दला श्रीमती नीलम दला श्री वेदराजी प्रणामी अनाथ प्यार पिया तुम वो तैसी जैसे तुम दिन करो मेरा तन कलश जारी पिया जीव रंग जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास पिया तुम बिना दिल से करो पिया
श्री का तम पाणी तत्व ज्ञान
कृपा के सागर कृपा करो स्वामी स्वामी करो स्वामी अपना मारो सत के स्वामी आप कृपा के सागर कृपा करो स्वामी करो स्वामी अपना साथ मारो साथ के आप स्वामी नाथ बजले बजले भगवान सर्व बजले सुगर साथ के कारण सुंदर रूप धरे बोलो शुभ्राणु नाथ प्यारे की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय सतगुरु महाराज की जय भाई जुराज महाराणी की जय महाराजा छत्र